मध्य रेल वाणिज्य विभाग की ओर से नागपुर रेल परिसर में रहने वाले बेसहारा जरूरतमंदों को भोजन की व्यवस्था कर्मचारियों के माध्यम से की गई। इस मौके पर जरूरतमंदों को खाना बांटा गया। भारत की कुल आबादी 137 करोड़ की है। 137 करोड़ में कुछ ऐसे भी करोड़ों लोग हैं जो बिना सहारे यूं ही सड़क पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं ऐसे लोगों की जो बस स्टैंड हो या हो फिर रेलवे स्टेशन का परिसर, वहाँ पे अक्सर इस तरह के लोग बेसहारा जरूरतमंद लोग काफी संख्या में दिखाई देते हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम एवं जन जागृति के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जो आदेश आए थे और पूरे देश के साथ साथ शहरों को भी लॉकडाउन किया गया है, जिसके चलते लोग पूरी तरह से अमल करते हुए अपने घरों में हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाहर में बेसहारा और जरूरतमंद है, जिन्हें दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। इस लॉकडाउन के चलते कुछ ऐसे लोगों पे भूखमरी की नौबत भी आ पड़ी है। ऐसे में कुछ शहर के स्वयंसेवी संस्थाएं उनके कामकाज आ रही है, कहीं अनाज बांटा जा रहा है तो कहीं खाना बांटा जा रहा है। इसी श्रृंखला में मध्य रेल वाणिज्य विभाग की ओर से नागपुर रेल स्टेशन परिसर में रहने वाले बेसहारा जरूरतमंदों को भोजन की व्यवस्था कर्मचारियों के माध्यम से की गई। इस मौके पर जरूरतमंदों को खाना बांटा गया। मध्य रेल द्वारा हर स्टेशन पर ऐसे परिसर में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को खाना बांटा जा रहा है। ये सबसे अच्छा काम मध्य रेल की ओर से किया गया। अक्सर ये देखा जाता है कि सिर्फ यात्री को ही खाना दिया जाता है, लेकिन अब की बार कोरोना वायरस की जनजागृति रोकथाम के लिए पूरे भारत वर्ष में जरूरतमंदों को खाना बांटा जा रहा है। इसी श्रृंखला में मध्य रेल की ओर से ऐसे जरूरतमंदों को खाना बांटा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अब तक के कई लोगों ने यहाँ पे खाने का बॉक्स लेके अपने अपने घर चले गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि हर कोई लोग आ रहा है, यहाँ पे खाना खाता हुआ नजर आ रहा है और इन्हें जो खाना जो बांटा जा रहा है वो मध्य रेल प्रशासन की ओर बांटा जा रहा है। इस समय में जुनगरे साहब हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि जिस तरह से आज मध्य रेल की ओर से खाना जो बांटा जा रहा है, ये क्या सिर्फ नागपुर में बांटा जा रहा है कि पूरे भारत वर्ष के अलग अलग जगहों बांटा जा रहा है? यहाँ पर जो खाने का वितरण किया जा रहा है वो भारतीय रेलवे में सभी स्टेशनों पर किया जा रहा है। अक्सर ये देखा जाता है कि रेलवे परिसर में बेसहारा गरीब मजदूर और जिनको कोई ठोर ठिकाना नहीं है ऐसे लोग रहते हैं, उनके खाने की स्थिति को देखते हुए रेल प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि स्टेशन परिसर में रहने वाले सभी लोगों को जो कि भूखे हैं उनको खाने की व्यवस्था की जाए। इसलिए मध्य रेलवे के नागपुर मंडल में सभी रेलवे स्टेशनों पर खाने की व्यवस्था की गई है, जिसमें भूखे मजदूर और गरीब लोगों को खाना दिया जा रहा है। तो आप थे मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक जुनगरी जी, जिन्होंने बात करते हुए बताया कि मध्य रेल की ओर से तमाम स्टेशनों पे इस तरह से ज़रूरतमंदों को मध्य रेल की ओर से खाना बांटा जा रहा है। ये अपने आप में काफ़ी अच्छी पहल है, खाना भी लोगों को मिल रहा है, लेकिन बशर्ते लोगों ने दूर दूर खड़ा होना चाहिए, तकरीबन एक मीटर का फासला तो भी होना चाहिए। इतना नहीं, जो लोग जो अपने घर में भी कुछ लोग हैं वो भी घर में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। किसी कामकाज के वजह से लोग बाहर निकले ऐसा बार बार सरकार बता रहे, और कोरोना वायरस को देखते हुए उसका पालन करना बेहद ज़रूरी है। यदि आप लोग पालन नहीं करोगे और इसका उल्लंघन होते रहेगा तो वो दिन दूर नहीं जब कोरोना वायरस अपने आगोश में सबको लेके मौत की नींद सुला सकता है। यदि हमें जागना है तो हमें दूर रहना होगा, यदि हमें जागना है तो हमें अपने घर रहना होगा, यदि हमें जागना है तो ऐसे संस्था जो जरूरतमंदों को खाना बांटते हैं उसमें भी अपना हाथ बटाना होगा। नागपुर के मध्य रेल से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मीरे, इनबीसी न्यूज़ नागपुर।